हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? टुडे वी विल सॉल्व क्लास फिफ्थ इंग्लिश वर्कशीट टॉपिक डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव्स। आज हम क्लास फिफ्थ इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करेंगे टॉपिक डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव्स। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन इज नोन एज एडजेक्टिव्स और अ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। जिस शब्द से नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब किया जाता है उसे एडजेक्टिव्स, विशेषण या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं। विशेषण और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एक ही होता है बच्चों, एडजेक्टिव्स और डिस्क्राइबिंग बोथ आर सेम। फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल की विशेषता बता रहा है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या हुआ? एडजेक्टिव। थ्री पैंस, पैंस कितने हैं? थ्री, तो थ्री एडजेक्टिव है। बिग ट्री, ट्री कैसा है? बिग, तो बिग एडजेक्टिव्स है, एक्सेट्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन वन, मैच द डिस्क्राइबिंग वर्ड टू द करेक्ट नाउन्स, राइट द आंसर इन योर नोटबुक। यहाँ डिस्क्राइबिंग वर्ड दिए गए हैं, आप इन्हें सही नाउन से मैच करेंगे। ग्रीन आपके लिए किया गया है ग्रास से मैच। शार्प को मैच करेंगे नाइफ से। राउंड को मैच करेंगे अर्थ से। फाइव को मैच करेंगे फिंगर से। फास्ट को मैच करेंगे ट्रेन से। कोल्ड को मैच करेंगे आइसक्रीम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन टू, चूज द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, राइट द आंसर इन योर नोटबुक। अब आपको करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड को ब्लैंक में फिल करना है। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, पहला आपके लिए किया गया है। द माउस इज अ डैश एनिमल, तो यहाँ स्मॉल फिल किया गया है। सेकंड करते हैं, द फॉक्स इज अ डैश एनिमल, तो यहाँ क्लेवर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड, द ताजमहल इज अ डैश मॉन्यूमेंट, तो यहाँ ब्यूटीफुल लिखेंगे। ताजमहल कैसा मॉन्यूमेंट है? ब्यूटीफुल। फोर्थ, इट इज वेरी डैश इन द समर्स, समर्स में क्या होता है? हॉट, तो यहाँ हॉट लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, द गार्डन इज फुल ऑफ डैश फ्लावर्स, तो यहाँ कलरफुल लिखेंगे। गार्डन में कैसे फूल हैं? कलरफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थ्री, सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द पोएम एंड राइट देम इन योर नोटबुक। अब यहाँ पोएम दी गई है, चलिए पोएम देखते हैं। चलिए तो पोएम पढ़ते हैं। आई एम द किंग ऑफ फ्रूट्स, आई एम येलो रेड ऑरेंज एंड ग्रीन। आई हैव अ बिग हार्ड सीड, आई एम जूसी एंड स्वीट। आई एम रिच इन एनर्जी एंड वाइटमिन सी। इन समर्स यू कैन फाइंड मी, कैन यू नेम मी प्लीज? येस, आई एम द टेस्टी मैंगो। तो यहाँ कौन कौन से एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जिन्हें हमें सर्कल करना है? येलो पहले से ही किया गया है, रेड ऑरेंज ग्रीन को सर्कल करेंगे, उसके बाद हार्ड को सर्कल करेंगे, फिर जूसी स्वीट रिच को सर्कल करेंगे, टेस्टी को सर्कल करेंगे। ये सभी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं और इन्हें नीचे लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फोर, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड आंसर द क्वेश्चंस, राइट द आंसर इन योर नोटबुक। अब नीचे दिए गए सेंटेंसेस को आपको पढ़ना है और ब्लैंक में सही आंसर लिखना है। आप पिक्चर देख सकते हैं, इसके नीचे लिखा है द फैट कैट एट द माउस, जो मोटी बिल्ली थी उसने माउस को खा लिया। अब यहाँ फर्स्ट, द वर्ड फैट इज यूज्ड फॉर डैश कैट लिखेंगे। सेकंड, कैट इज अ नाउन, तो यहाँ पर नाउन लिखेंगे। फैट इज एन एडजेक्टिव, तो यहाँ एन ए लिखा है, एन लिखेंगे और एडजेक्टिव। फैट क्या है? एडजेक्टिव्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पिक्चर के नीचे लिखा है द रेड कार इज ऑन द रोड, लाल कार कहाँ पर है? रोड पर है। फर्स्ट, द डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द कार इज रेड, रेड क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड किसके लिए? कार के लिए। कार इज अ नाउन, तो यहाँ नाउन लिखेंगे। थर्ड, द प्लूरल ऑफ कार इज कार्स, और कार का प्लूरल क्या होगा? कार्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज अ बिग कंट्री, अब यहाँ फर्स्ट द डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर इंडिया इज बिग। सेकेंड, नेम द कंट्री यू लिव इन, तो यहाँ लिखेंगे इंडिया। थर्ड, अपोजिट ऑफ बिग इज, बिग का अपोजिट क्या होगा? स्मॉल। फोर्थ, प्लूरल ऑफ कंट्री इज कंट्रीज,
तो यहाँ कंट्रीज लिखेंगे, कंट्री का प्लूरल कंट्रीज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिक्चर कंपोजिशन क्वेश्चन 5, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन इन योर नोटबुक। अब नीचे दिए गए पिक्चर को ध्यान से देखिए और पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर लिखिए। चलिए पिक्चर देख ली, अब इसके बाद क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 1, विच ट्री कैन यू सी इन द पिक्चर? तो करेक्ट आंसर है एप्पल ट्री। सेकंड, व्हाट इज द कलर ऑफ एन एप्पल? तो यहाँ करेक्ट आंसर है रेड। थर्ड, हु इज सिटिंग अंडर द ट्री? तो यहाँ लिखेंगे मोहन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज? अब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं फ्रूट्स और कप, तो यहाँ फ्रूट्स लिखेंगे। डर्टी एयर और फ्रेश एयर, तो यहाँ फ्रेश एयर लिखेंगे। स्पून और शेड, तो यहाँ शेड लिखेंगे। हमें ट्रीज से क्या क्या मिलता है? फ्रूट्स, फ्रेश एयर, शेड। शेड होता है छाया। फिफ्थ, व्हाई इज मोहन सिटिंग अंडर द ट्री? मोहन पेड़ के नीचे क्यों बैठा है? तो यहाँ आपको लिखना है, मोहन वांट्स लिखा हुआ है, आगे आप लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे टू स्टडी। मोहन वांट्स टू स्टडी, क्योंकि मोहन पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्किल्स इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप, जीवन कौशल दोस्ती का महत्व। बच्चों आज लाइफ स्किल में आपको फ्रेंडशिप के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। यहाँ फ्रेंड्स लिखने के बाद हर लेटर का अर्थ बताया गया है कि फ्रेंडशिप में हर लेटर का अर्थ क्या होता है। एफ, इन्जॉय एंड हैव फन। एफ से कहा गया है कि इन्जॉय करो और फन करो। आर, रिस्पेक्ट ईच अदर, एक दूसरे का आदर करो। आई, हैव सिमिलर इंटरेस्ट, और एक जैसा इंटरेस्ट रखो। ई, ऑलवेज इनक्रेज ईच अदर, हमेशा एक दूसरे को इनक्रेज प्रोत्साहित करो। एन, ऑलवेज प्रेजेंट वैन यू नीड दैम, हमेशा आवश्यकता के समय उपस्थित रहो। डी, डू नॉट स्पीक लाई टू ईच अदर, कभी एक दूसरे से झूठ मत बोलो। एस, ऑलवेज शेयर विद ईच अदर, हमेशा एक दूसरे के साथ शेयर करो। तो फ्रेंडशिप का मीनिंग बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड अलाउड द फॉलोइंग पोएम, अब यहाँ एक पोएम दी गई है, आप इसे रीड अलाउड तेज आवाज़ में पढ़ेंगे। पोएम है बी अ गुड फ्रेंड शो योर केयर, अच्छे दोस्त बनो और अपनी केयर दिखाओ। बी अ गुड फ्रेंड लर्न टू शेयर, अच्छे मित्र बनो और शेयर करना सीखो। फ्रेंडशिप मेक्स अ बेटर वर्ल्ड, फ्रेंडशिप से जो है एक बेटर वर्ल्ड बनता है। बी फ्रेंड्स विद बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप फ्रेंड्स बनो बॉयज़ और गर्ल्स के। यू कैन बी अ फ्रेंड टू योर फैमिली टू, द वंस हु केयर सो मच फॉर यू, आप अपनी फैमिली के भी फ्रेंड्स बन सकते हो, क्योंकि वे आपको सबसे ज़्यादा केयर करते हैं, प्यार करते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है थिंग्स यू डू विद योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों के साथ क्या क्या चीज़ें करते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि आप अपने दोस्तों के साथ क्या क्या चीज़ें करते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखा है स्टडी, प्ले, टॉक, फन, रिस्पेक्ट, इनक्रेज, शेयरिंग, ट्रस्ट। तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ये सब चीज़ें करता हूँ। आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्या क्या चीज़ें करते हैं आप यहाँ पर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी, आई वॉन्ट माई गुड फ्रेंड टू बी, मैं चाहता हूँ कि मेरा अच्छा मित्र ऐसा हो। कैसा होना चाहिए आपका अच्छा मित्र? तो यहाँ पर आप उसकी क्वालिटी के बारे में लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखा है ऑनेस्ट हो, केयरिंग हो और फेथफुल हो। आई वॉन्ट माई गुड फ्रेंड टू बी ऑनेस्ट, केयरिंग, फेथफुल। ऑनेस्ट होता है ईमानदार, केयरिंग जो केयर करता हो, फेथफुल जो विश्वसनीय हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, यू ऑलवेज पास फेलर ऑन द वे टू सक्सेस। फूड एंड ड्रिंक, हैव होल ग्रेन चपाती और पराठा विद ग्रीन साग, आपको हरे साग के साथ होल ग्रेन चपाती खानी है या पराठा खाना है। एक्टिविटी, पेस्ट और ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स,
आपको अलग अलग ग्रेन्स की पिक्चर ड्रॉ करनी है या चिपकानी है। गेम प्ले वर्ड अंताक्षरी विद योर सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स, आपको अपने भाई बहनों या दोस्तों के साथ वर्ड अंताक्षरी खेलनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली रूटीन, दैनिक दिनचर्या, इंक्लूड द फॉलोइंग हैबिट्स इन योर डेली रूटीन। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कौन कौन सी आदतें हैं? बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, अपने दांतों को दिन में दो बार ब्रश करें। टेक अ बाथ डेली, प्रतिदिन स्नान करें। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस्ड डाइट, खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम, अपने गृह कार्य अपने होमवर्क को समय पर पूरा करें। तो ये सभी अच्छी आदतें हैं जो आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।